हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिश विलेन मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज का जो वीडियो है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के सीरीज में 100 सीरीज कंप्लीट होगा। टेंशन मत लेना, थोड़ा टाइम देना मुझे, क्योंकि मुझे बैचेस भी रहती हैं, ऑफिस भी रहता है और आप भी रहते हो, ठीक है। और जिसको भी नहीं पता है, कल से स्टैट प्रो की नई बैच लॉन्च हो रही है, तो आपको ज्वाइन कर सकते हो जिसको भी ज्वाइन करना है, या फिर उसको बता दीजिएगा। लास्ट वीडियो मैंने बताया था उसके बारे में। दोस्तों आप सब ने कहीं ना कहीं थ्योरी में पढ़ रखा है कि लिमिट स्टेट क्या होता है और वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। मैं पूछूंगा तो आप बताओगे। LSM का फुल फॉर्म बोलोगे लिमिट स्टेट मेथड, WSM का वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये होता क्या है? कंफ्यूजन, ठीक है। फिर मैं जब थोड़ा सा आपको जब एक्सप्लेन करूंगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है, ये इलास्टिक थ्योरी पे काम करता है। आप बोलो कि ये इलास्टिक थ्योरी मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इलास्टिक थ्योरी का मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली यील्ड स्ट्रेंथ तक आपका स्ट्रक्चर जो मटेरियल है, यील्ड स्ट्रेंथ तक आपको परफॉर्म करके दे पाए, उसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसके अंदर पूरी ताकत नहीं लगा पाता वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो दो चीज नहीं दे पाता वो। कौन सी दो चीज है? वो दो चीज है, उसमें सबसे पहली चीज है आपका कोलैप्स। क्या? कोलैप्स। दूसरा सर्विसबिलिटी। ये दोनों चीजों का ध्यान नहीं दे पाता है, इसकी वजह से उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो कोई पूछता है कि जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो क्या है, तो आप बता दो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक थ्योरी पे काम करता है, जो कि यील्ड स्ट्रेंथ तक स्ट्रक्चर को डिजाइन करके देता है। फिर हमारे इंजीनियर लोग कैसे चुक रहते हैं? उन लोगों ने मेहनत किया, और मेहनत करके जो दूसरा मुकाम, आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है, मिला तो मैं इधर भी लगा दूंगा। तो जो दूसरा मौका था, वो जैसे ग्राफ ऊपर गया तो वहां कहां गए वो लोग? अल्टीमेट स्ट्रेस तक गए। वहां तक कहां तक गए? अल्टीमेट स्ट्रेस तक गए। वहां पर उनको एक चीज की तो विजय मिल गई। वो किस चीज का विजय थी? वो उनको कोलैप्स होने से तो बचा कर लिए। क्या कर लिए? कोलैप्स होने से तो बचाने लगे, लेकिन अभी भी वो सर्विसबिलिटी पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अच्छी तरीके से। सर्विसबिलिटी पे अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए रिसर्च जारी रहा। और लास्ट में आपको क्या मिला? LSM, यानी लिमिट स्टेट मेथड, यानी प्लास्टिक थ्योरी, यानी वहां तक स्ट्रक्चर को डिजाइन करना जहां तक उसकी एकदम अंतिम सोर्स होता है, मतलब अब इससे ज्यादा वो मटेरियल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पाता है LSM, और इतना क्यों सक्सेस है LSM, उसका रीजन समझते हैं। उसका रीजन है दो चीज, वो है एक तो है कोलैप्स और एक है सर्विसबिलिटी। इन दोनों पे बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। आप सोच रहे होंगे ये कोलैप्स और सर्विसबिलिटी सर बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भाई कोलैप्स मतलब धोखा दे देना। कोलैप्स मतलब पता है ना, सब कोलैप्स हो गया, धोखा दे दिया सामने वाले ने, ठीक है। और सर्विसबिलिटी मतलब सर्विस एबिलिटी, मतलब सर्विस की एबिलिटी, सर्विस देने की ताकत, जो कि वो अगर आगे स्ट्रक्चर के अंदर, मटेरियल के अंदर वो चीज अगर आ गई तो बेस्ट है ना। तो LSM इन दोनों पे परफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से करता है, मतलब कोलैप्स होने से स्ट्रक्चर को बचाता है। ये कोलैप्स होने से बचाता मतलब आपको पहले से बताता है, वार्न करता है, भैया आपके साथ लफड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है टॉर्जन की वजह से लफड़ा हो जाए, ठीक है। जो कोलैप्स होता है, कोलैप्स किस किस कारण से होता है? एक होता है टॉर्जन की वजह से हो जाता है, दूसरा जो कोलैप्स होने का रीजन रहता है होता है सीयर, ठीक है। अगर सीयर गड़बड़ हो रहा है, बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, तो भी कोलैप्स हो सकता है। और तीसरा उसका जो रीजन हो जाता है, वो रीजन रहता है आपका क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन भी अगर ज्यादा हो रहा है तो भी हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि इसको परफॉर्म करने से पहले आपको स्ट्रक्चर बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, स्ट्रक्चर धोखा देना स्टार्ट बताने लगता है कि भाई ये यहाँ पर मैं प्रॉब्लम कर सकता हूँ। साथ ही साथ ये तो हो गया कोलैप्स। अब बात करते हैं सर्विसबिलिटी की। किसकी? सर्विसबिलिटी, सर्विस की एबिलिटी, ठीक है। सर्विस की एबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है लिमिट स्टेट मेथड के अंदर। क्यों? क्योंकि क्रीप, आपने सुना हो ना, क्रैक्स आ रहे हैं। क्रैक आने से पहले ही थोड़ा थोड़ा क्रैक हुआ तो समझ आने लगता है भाई ये क्रैक हो रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? फटाफट हो सकता है मेंटेन करवा लेंगे, हो सकता है उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करवा के हम दूसरे स्ट्रक्चर को करवा वहां पर तैयार करवा देंगे। तो हमें क्या होता है, पहले से पता चल जाता है सर्विसबिलिटी के लिए। दूसरी चीज हमें क्या अच्छी है उसमें पता चल जाता है, डिफ्लेक्शन। स्ट्रक्चर पर डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट नहीं हुआ, दिखने लगा कि भाई गड़बड़ हो रहा है। जैसे आप जब बूढ़े होते हो या फिर मैं जब बूढ़ा होऊंगा, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे झुकने लगेंगे ना ऐसे। तो जब झुकने लगेंगे पता चल रहा है कि झुक रहे हैं। तो अब एक तो ये तरीका है एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या हो गया, वो सर्विसबिलिटी परफॉर्म कर रहा है। लिमिट स्टेट मेथड हमारी बॉडी के अंदर भी है भाई, ठीक है। ये भी कोलैप्स कर जाती है अगर आप इसको सही तरीके से ट्विस्ट वगैरह नहीं किए बॉडी को, तो टॉर्जन आने का लफड़ा हो सकता है। कहते ना एक ऐसे हो गया है, कुछ ऐसे भी कुछ ना कुछ हो जाता है। दूसरा सीयर हो जाता है, कभी कभी ऐसे कुछ सीयर की प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के अंदर। तीसरा क्या होता है उनके अंदर,
मेरे मोबाइल के जो लैपटॉप का सॉरी कैमरे की जो बैटरी है थोड़ी डाउन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कवर कर रहा हूँ गाइस। तो तीसरा जो रीज़न है वो रीज़न ये होता है कि आपका कभी कभी ऐसा होता है कि परफॉर्म करते टाइम आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको रनिंग करना है, रनिंग आपकी कैपेसिटी 10 किलोमीटर है लेकिन आप 1 किलोमीटर पर रुक गए, यही होता था स्ट्रेंथ में। फिर आदमी ने हिम्मत किया, 5 किलोमीटर तक दौड़ना स्टार्ट कर दिया, चलो अभी भी पूरा नहीं, अभी भी हिम्मत और है आपके अंदर और ताकत है। जब 10 किलोमीटर तक आप प्रॉपर दौड़ने लगे, वही तो है क्या लिमिट स्टेटमेंट है, मतलब प्लास्टिक स्टेट डिजाइन, जिसके अंदर पहले से पता चल जाता है कि अब स्ट्रक्चर गिरेगा, आप ठीक कर लो। मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 5 साल 7 साल से वार्निंग दे रहे हैं लेकिन अभी भी गिरे नहीं है, ठीक। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये सब मैं अभी स्टैनफोर्ड की जो बैच है उसमें कवर करूंगा, बहुत ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं यार एक्चुअली, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? अगर हम लोग को डिजाइन करना है तो जो आपका RCC स्ट्रक्चर होता है उसको हमारा चाहे सॉफ्टवेयर के थ्रू चाहे प्रैक्टिकली करो, हम फैक्टर लेके चलते हैं 1.5 RCC के लिए 1.15 सॉरी RCC के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ये है क्या 1.5 क्या है? क्यों लेते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5? इसलिए लेते हैं कि कल को अगर मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं पर जाना है इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे पास 10 रुपये हैं और ऑटो के खर्च के लिए मेरे पास कितने 10 रुपये हैं। कल को अगर ऑटो वाले ने स्ट्राइक कर रखा है, 10 की जगह उनका 12 रुपये किराया हो गया, तो भाई 10 की जगह हम 15 लेके चलेंगे, कोई रिस्क लेके नहीं चलेंगे। यही तो होता है लिमिटेड स्टेट मेथड के अंदर। हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा फैक्टर लेके चलते हैं जिससे कि हमारी सेफ्टी जो होती बरकरार रहती है, हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है अपने आप बढ़ जाती है और उसके साथ ही साथ हम सर्विस अच्छी दे पाते हैं। सीधी सीधी बात है, आप बारात में जा रहे हो या आप बारात का अरेंजमेंट कर रहे हो, 100 लोग आने वाले हैं आपके बारात में, अब 100 लोग आने वाले हैं तो एक तो ये हो गया कि आप 100 लोगों के लिए तैयारी करके रखो, पर लफड़ा तब हो जाएगा जब 110 या 120 लोग आ जाएंगे। कुछ लोग खाए भी ना जाएंगे, बड़ी बेइज्जती करते हैं, ठीक है, उनको तो मतलब मजा आ जाता है। तो बट उसी की जगह पर 100 की जगह आप 150 लोगों की तैयारी करके देखो, परफेक्ट रहेगा। क्यों भाई? 120 आएंगे, 130 आएंगे, 140 आएंगे, 150 आएंगे, इस ज़्यादा नहीं आएंगे ना, यही फायदा होता है। बट स्टील स्ट्रक्चर में ये 1.15 लेते हैं क्योंकि भाई बहुत कॉस्टली होता है स्टील स्ट्रक्चर। इसमें अगर 1.5 ले लेंगे इतना हैवी स्ट्रक्चर बन जाएगा, बजट से बाहर, पता चला कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो ये होता है प्रैक्टिकली वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड। बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें बताई होगी अलग अलग, मैंने भी बुक्स में पढ़े बहुत थ्योरी टर्म्स, बट ये प्रैक्टिकली ये चीज होती है कि आपका LSM में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल परफॉर्म कर पाता है और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया जाता है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कोलैप्स और सर्विसबिलिटी पूर्ण तरीके से सेटिस्फाइड होती है लिमिट स्टेट मेथड में, और ये ना अल्टीमेट में होती है और ना ही वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होती है। चलिए, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर दबा के लाइक करो जिससे कि जल्दी से नेक्स्ट सीरीज आ जाए। जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना जल्दी लेके आऊंगा। जय हिंद जय भारत। थोड़ा लेट हो रहा है मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से स्ट्रक्चर सीरीज कंप्लीट करनी थी, बट थोड़ा परफॉर्म दिखा दो ना, थोड़ा ऐसा कर दो कि मैं भी थोड़ा सा आ जाऊँ फटाफट। और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चन पूछो, ये क्वेश्चन फिलहाल तो अपनी सीरीज में या है ही, बट ये क्वेश्चन पूछा भी गया था तो इसलिए मैंने इसको पहले ले आके आपको बताने की कोशिश की। चलिए, जय हिंद जय भारत।